राजेश, आप यहां पर एक्सपर्ट्स को भी सुन रहे थे, फ्रांस और जो पुरानी तलखियां हैं अमेरिका ऑस्ट्रेलिया से उनकी, उसको लेकर कहा कि ये जो बयान आया है ये के असर भी है, और साथ में जिस चीज का जिक्र हम और आप पहले दिन से कर रहे हैं कि देखिए ठंड से वेस्टर्न कंट्रीज बच नहीं पाएंगी, ये लड़ाई कहीं ना कहीं तेल को लेकर, गैस को लेकर, एनर्जी को लेकर भी थी, और वो बात वो भी समझ रहे हैं कि इन जो आपने वो लगाया है सैंक्शंस, इनका असर उल्टा भी होगा। तो राजेश से बातचीत करने की लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, उनके पास हम जाएंगे, ये सवाल लेंगे, क्योंकि ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। पहले दिन से राजेश इस बात को हाईलाइट कर रहे थे, और आप कुलकर्णी सर, एनर्जी के बिना काम नहीं चलने वाला, हिंदी में कहते हैं एक उंगली सामने वाले को दिखाओगे चार उंगली तुम्हारी तरफ भी है, क्या वो चार उंगली की जो बात है वो एक प्रैक्टिकली बात है कि आपने, राजेश जुड़ गए हैं, राजेश जी, देखिए मैं आपको, मेरा आपका आधा सवाल सुना है लेकिन मैं आपका जिस समझ गया हूं सवाल का। देखिए मैं फ्रांस के बारे में एक चीज आपको फिर दोहरा दूं, फ्रांस ने द्वितीय विश्व युद्ध से ही अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को चलाने की कोशिश की है, जैसे बाकी पश्चिमी यूरोपीय देश हैं, खासकर ब्रिटेन और जर्मनी, जो हमेशा से अमेरिका की लीक, चाहे वो ठीक हो या गलत हो, उसको फॉलो करते आए हैं हमेशा से, आपको कोई इसका अपवाद नहीं मिलेगा। लेकिन फ्रांस के केस में ऐसा नहीं है, आपको बहुत से अपवाद मिलेंगे, और फ्रांस ने हमेशा एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी परसू करने की कोशिश की है, और ये जो मैक्रों बार बार पुतिन से बात कर रहे हैं या बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये उसी की दिशा में एक कदम है। जो अभी आपके एक मेहमान ने बोला पंडुबी वाला केस हुआ, हाँ वो भी एक कारण है, लेकिन वो सिर्फ एक रीजन है, और ये जो बातें अभी फ्रांस कर रहा है क्योंकि फ्रांस अपना एक रोल निभाना चाहता है, एक अहम रोल निभाना चाहता है, वो ये दिखाना चाहता है कि फ्रांस की अपनी से है, फ्रांस की अपनी सोच है, अपनी फॉरेन पॉलिसी है, और फ्रांस ये भी समझता है कि अगर ये युद्ध बढ़ता है तो सबसे ज्यादा नुकसान पश्चिमी यूरोप का होगा, अमेरिका का कोई नुकसान नहीं होगा, ब्रिटेन का बहुत मिनिमम नुकसान होगा, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव इसका फ्रांस, जर्मनी, इन दो मुल्कों पर पड़ेगा, चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट में डैमेज हो। अगर जैसे पीछे हम बात कर रहे थे ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर पावर प्लांट की, अगर न्यूक्लियर लीक होता है और हवाएं पूर्व से पश्चिम चलती हैं तो ये रेडिएशन फ्रांस तक पहुंच सकती हैं, जो उनके लिए बहुत बड़ा प्रभाव डालेंगी इकॉनमी पर भी और पॉपुलेशन के ऊपर भी, और यही कारण है कि जर्मनी खुलकर बोल नहीं पाता है क्योंकि उसका अमेरिका दबाव रहता है, लेकिन फ्रांस खुल के बोल रहा है इसके बारे में। ओवर टू यू। नहीं तो राजेश, एक कॉमन सवाल लोगों के मन में अभी आ रहा है कि फ्रांस के स्टेटमेंट के बाद अब इस लड़ाई को लेकर क्या बदलेगा, क्योंकि बातचीत, प्रेशर गेम जो है वो हर तरफ से जारी है। देखिए जैसे कि मैं पहले कह रहा था, इस लड़ाई के बहुत से पहलू हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक पहलू है, साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने के लिए दूसरे के ऊपर, मिलिट्री एस्पेक्ट इसका एक पहलू है, लेकिन जो साइकोलॉजिकल, अभी ये ज़ेलेंस्की ने जो ये वीडियो जारी किया है उसका क्या अर्थ है, वो अपनी लोकेशन देने के लिए नहीं है, शायद वो वहां रहे बिना, वो कीव में है ऐसा मेरा भी मानना है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट जारी किया है ये अपनी सेना का जो इस टाइम फेस टू फेस है रशियन आर्मी के सामने, चाहे वो पूर्वी यूक्रेन हो, दक्षिण यूक्रेन हो, या कीव के आउटस्कर्ट्स हो, उनका मनोबल ताकि बना रहे और वो पूरी ताकत से लड़ते रहें। देखिए मैं आपको ज़ेलेंस्की के बारे में एक चीज बता दूं, मैं यहाँ काफी घूमा हूँ लड़ाई से पहले भी, ज़ेलेंस्की इतना पॉपुलर नहीं थे और अगले इलेक्शन में उनके जीतने की आशा भी नहीं थी, लेकिन जब से ये शुरू हुआ है और जिस तरह से ज़ेलेंस्की ने अपने आप को एक लीडर साबित किया है और जिस तरह से उन्होंने एक मनोबल बढ़ाया है अपनी जनता का, अपनी फौज का, उससे उनकी जो पॉपुलरिटी है उसमें कई गुना इजाफा हुआ है लड़ाई शुरू होने के बाद। राजेश, एक सवाल फिर और आता है कि बख्शी सर कह रहे थे कि देखिए सच है कि पॉपुलैरिटी बढ़ी है, लोगों में जज्बा है, लोग खुलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन रशिया की जो मांगे हैं और जो ग्रिप इस वक्त उसका यूक्रेन पर है 150 किलोमीटर अंदर आकर, उसके बाद ऑप्शंस क्या बचते हैं यहां पर ज़ेलेंस्की के पास? देखिए जो रशिया ने अपनी डिमांड रखी है वो तो शुरू से, युद्ध शुरू ही इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर हुआ था, जो 2008 से लगातार वहां जो 2014 से लगातार जो वहां युद्ध चल रहा है ईस्टर्न यूक्रेन में, उसमें कम से कम 12,000 के आसपास लोग मारे गए थे। वो कारण क्या था? यूक्रेन डोनबास का एरिया वापस लेना चाहता था और रूस साफ उसके लिए मना कर रहा था कि ये अलग है, इसको आप हम मिलने नहीं देंगे। क्रीमिया का हिस्सा, वहां लड़ाई नहीं हुई थी, लेकिन एक बहुत बड़ा उनके अंदर जो मनमुटाव दोनों देशों के बीच में क्रीमिया को लेकर हो रहा था। देखिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकलेगा, क्योंकि डिप्लोमेसी लगातार जारी है। देखिए ये बमबारी के बीच में, लड़ाई के बीच में हम ये ना भूल जाएं कि डिप्लोमेसी अभी भी चल रही है, बातचीत अभी भी चल रही है, और जिस तरह से धीरे धीरे एक एक करके पश्चिमी यूरोपीय देश
दबाव बनाएंगे अमेरिका के ऊपर, यूक्रेन के ऊपर समझौते के लिए, मुझे लगता है इससे पहले कि फुल फ्लेज्ड वॉर हो या बहुत ज्यादा नुकसान हो, कहीं ना कहीं समाधान निकलेगा। और जो समाधान निकलेगा, ये आप एक अच्छी बात कह रहे हैं, राहत भरी बात है।